मैं वो निकालूंगी। तो ये लोग डर गए कहीं ना कहीं प्रिया से, ताकि हमारी जो इंसल्ट हो रही है ना वो बंद हो जाए। पता चली है, हम तो पहले दूसरों की बातें सुनते थे, हम कहते थे वो झूठे हैं, लेकिन ये तुम्हारी रिश्तेदार है इसलिए लग रहा है कि तुम सच्ची हो। हरी मम आ जाओ बोलो, अपना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी कहने लगी थी। इन है कि जब हम कामयाब हो चुके हैं, मुद्दे लेके आए थे हम लोगों ने, आगे जवाब दिए थे, नहीं मतलब उन्होंने गाइड किया है, और इसने जो है सॉरी की है दिलबर से। मम्मी ने बहुत ही ज्यादा मेरे करेक्टर पे बात की है, इस मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। अभी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इकलौती भाभी, इकलौती नंद, इकलौती भाभी, इनकी बातचीत ही नहीं होती। जो है कहा कि मैंने दिलबर की वीडियो से सुना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं पता कौन बंदा था, बंदी थी। बहन आपको सारा पता है, आप खुल के बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मुंह मत्थे लगना है ना दोबारा। मैं वाइटी से ना रिश्तों पे बात जो लोग करते हैं, इस बात को मैं एंड करूंगी कि भाव अपना खाओ वाला हिसाब है, कोई किसी का भाड़ा नहीं उठाता। तो ये बात मुझे इनकी समझ नहीं आई, जो ये कि आओ या ना लेके आओ, थोड़ी सी आपकी तू तू मैं होनी है। होने से बूढ़े होने तक की बातें यहाँ पे आप लोगों के ही रिश्तेदार निकाल के बैठेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। जानी जान की टोटीज, छोटी छोटी पतलीज मोटीज, तो कैसे हैं आप सब? तो जी जनाब, ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो फसल ख़राब हो जाती है। घर में दीन ना हो तो नस्ल ख़राब हो जाती है। आजकल तो भाई मोबाइल मोबाइल ही मोबाइल, फितना फसाद जो है हमारी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा जो है वो मोबाइल है। मोबाइल की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं, बहुत सारे मसले जो हैं ख़राब हो रहे हैं, रिश्ते जुदा हो रहे हैं, और नस्लें भी ख़राब हो रही हैं। ये मुर्गा भी ख़राब हो रहा है जो अभी ज़ोर से कुकड़ू कू कर रहा है। तो ये कुकड़ू कू जो है ना, इसकी कभी बंद करानी पड़ेगी, बड़ा छेड़ता है मुझे बच्चा। तो जी जनाब, आज मैं बात करूंगी डिडी और फ्रिया और बीना की, जो कि देखो ये रिश्तेदार जो है ना, अब देखो यकदम इनकी पलटी कैसे हुई है, यकदम पलटी कैसे हुई है। डीडी ने कल कहा कि मेरे भी तू पुलिस से उठवाएगी तो मेरे भी बड़े ताल्लुकात हैं, मुझे भी किसी ने सुलह मारी है कि हाँ भाई बता किसको उठवाना है कैसे उठवाना है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा बाइटी पे नहीं बोलना चाहिए था किसी के लिए, खासकर आपकी कुछ भी हो, है तो रिलेटिव ना, आखिर आपकी अम्मी की बहन है वो, एक बाप में से हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से अल्फाज जो है दोहराए जाएँ किसी लेडी के लिए। तो खैर बाकी जो है आप लोग एक दूसरे को जो सवाल जवाब कर रहे थे वो अलग बात है, वो आप लोग बराबर से ही चल रहे थे। तो उसके बाद जो है ना, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि जो है मोहतरमा, क्या नाम है उनका, फ्रिया जी कहती हैं कि डीडी का नरम लहजा देख के जो है मैंने अपना रवैया, मैं भी अब अपना बदलती हूँ और मैं कभी भी ये बात नहीं करती कि मैं अपने रिश्तेदारों को उठवाऊँ, पुलिस जो है मेरे कहने पे मेरे ही रिश्तेदारों को ले जाए, कुछ भी हो हम रिश्तेदार हैं। बाकी जो है आपकी अम्मी के लिए मैंने जो बोला है तो उसको चाहिए था, वो मेरे घर आती मेरे खिलाफ़ वीडियो ना बनाती और ना ही मसले ख़राब होते, ना ही इतनी बात लंबी होती। उधर से बीना साहिबा जो है वो कुछ और कह रही हैं, वो जो है वो कहती है बीना बाजी फरमाती हैं कि जनाब मैं बड़ी थी, फरीहा ने जो बातें की हैं वो मुझे, वो मैं कभी नहीं माफ़ करूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बड़े होने का जो है उसने नहीं देखा कि मैं बड़ी हूँ, उसने जो है मेरे पे वीडियोस बनाई, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, और जो है उसे थोड़ी सी भी अकल नहीं है, थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है, मैं मर के भी उसके घर नहीं जाऊंगी। ये अल्फाज जब ये लोग बोलते हैं ना कि हम उसके लिए मर गए वो हमारे लिए मर गए, भाई अब आप लोग देहात में नहीं रहते, देहातों में ये ताने बड़े दिए जाते हैं, शहरों में रहते हैं आप लोग, आप लोग ना थोड़ा सा सीखें, आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा तब्दील करें।
ये कोई बात ना हुई कि मैं मर जाऊंगी बस तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मैं तो अब कभी भी मर के जिंदा हो के भी तेरे घर नहीं आऊंगी, या मैं मर गई तो फिर भी नहीं आऊंगी। जो मर जाता है वो नहीं जा सकता, वो मतलब वो एक राशि होता है। अच्छा मर के भी उसके घर नहीं जाऊंगी कभी भी, मतलब ये शादी पे भी नहीं जाएंगी? क्योंकि शादी के लिए तो प्रिया ने साफ सीधा सीधा इंसल्ट कर दी थी और कहा था मैं ना नाना को ना उसके ही किसी की फैमिली में से कोई बंदा आने दूंगी अपने भाई की शादी पे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं इन लोगों को बुलाऊं अपने भाई की शादी पे, मैं नहीं बुलाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है, सुलह हो भी जाए तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ था जो इनके लिए इंसल्ट का बायस है। मुझे लगता है जो अक्लमंद होता है गैरतमंद होता है उसको ये जुमला जो है काट जाता है, खा जाता है कि यार सीधा सीधा मतलब बेइज्जती कर दी। रिश्ता कराने वाले आगे आगे थे, मंगनी निकाह जो भी था, शॉपिंग सारा कुछ करने वाले ये थे, लेकिन अब जो है लुडी है जमालो पा, लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पा। जब लुडी है जमालो पाने का टाइम आया उस टाइम मामा और बिना नहीं जाएंगे, मतलब नाड़ा भी नहीं जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा, अकेली इंजॉय करेगी जीरा प्लस और फ्रिया। ओ माय गॉड गेट माय लस्ट हो गया लड़कियों। जी हाँ, तो कहती है जो कहती है ना आए मुझे समझाते, आते मुझे समझाते, क्यों जाती उसके घर समझाने जब मैंने काफ़ी बार कॉलें की थी तो ये नहीं समझती, मैंने मतलब बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, ये नहीं समझती, कोई रिश्ता नहीं है मेरे पास, मैं तुम पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, और अगर तुम बनाना चाहती हो तो बनाती रहो, मैं नहीं बनाऊंगी तुम पे वीडियो, मेरा तुम्हारे से रिश्ता ख़त्म हो गया है भैया, मैं अब तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ। मार दिया तूने मुझे, देखें जी हौला हाथ तो इन्होंने भी नहीं रखा, इन्होंने भी सही तरीके से तुन के रगड़ रगड़ के सर्फ एक्सल के साथ धुलाई की है प्रिया की, सब ने, शाहरुख ने, नाना ने, बीना ने, दिलवर ने, सब ने धोया है, लेकिन उसके बावजूद यही कह रही है बाजी बीना मेरा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं मर के भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, बस बहुत हो गया रिश्ता ख़त्म, बस तुम्हारी असलियत सामने आ गई है, हमें पता चल गया है कि तुम हमारी कितना हमारी इज्जत करती हो। वाह 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 क्या दर्द है तुम्हारी आवाज में पगली, रुलाओगी क्या? मतलब कुछ भी है। अच्छा जी दिलबर ने नरमी से बात की, मैं अब उसे आराम से बात करूंगी, ये फ्रिया साहिबा कह रही अपनी लाइव में, और उसने भी लाइव खड़का डाली थी और कहा था कि मैं जो हूँ अब उसने नरमी से बात की है तो मैं भी नरमी से बात करूँगी। फिर कुछ लोग सवाल जवाब भी कर रहे थे। अच्छा जी बीच में भड़काने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, हेटर सपोर्टर, कोई उस तरफ की बात करेगा, कोई इस तरफ की बात करेगा, तो इस तरह से भड़काने की कोशिश की। बार बार एक कमेंट रिपीट कर रही थी सितारा ने, आपके अब्बू के बारे में कहा था कि वो मेरी अम्मी को मारता होता था, ये इनके पैदा होने से पहले की बातें हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है, फिर भी जो है तीसरा बंदा आके इस तरह की तीली लगा रहा है तो बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से सितारा ने ऐसी कोई बात नहीं की, मुझे जहाँ तक लगता है हमने तो नहीं सुना, उन्होंने कहा बस नसीब की बात है, जब भी बात की उसने कहा नसीब की बातें हैं, बस नहीं चल सकी, मारपीट की तो बात ही नहीं की। अच्छा जी यहाँ पर जो है उसने कहा कि दिलबर ने नरमी से बात की, अब मैं भी नरमी से बात करूंगी, और शाहरुख ने भी मुझसे बात की, हमारी आपस में बात हो गई है। तो जी जनाब इनकी आपस की अब बातें हो गई, अब इनको अकल आ गई है कि अब घर की बातें जो है ना घर में रखनी चाहिए, क्योंकि प्रिया के पास हैं बहुत सारे राज और नियाज, क्योंकि उसने धमकी दी थी प्रिया ने, उसने कहा था ये एक करेंगे मेरे बात, मेरे पास इनकी 60-70 बातें होंगी, एक बात का जवाब में 50-50, 60-60, 70-70 बातें होंगी मेरे पास, मैं वो निकालूंगी। तो ये लोग डर गए, कहीं ना कहीं डर गए, और इन्होंने ना उसने रابطہ करना शुरू कर दिया नाना के हस्बैंड ने प्रिया से, ताकि हमारी जो इंसल्ट हो रही है ना वो बंद हो जाए,
ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आना शुरू हो गए थे फ्रीहा के उसमें कमेंट्स में भी कि हमें तो इसकी असलियत अब पता चली है, हम तो पहले दूसरों की बातें सुनते थे, हम कहते थे वो झूठे हैं, लेकिन ये तुम्हारी रिश्तेदार है इसलिए लग रहा है कि तुम सच्ची हो, तुम सच बोल रही हो, ये नागन है, ये तो घर ख़राब करती है। हरी मम्मा आ जाओ इधर आओ, आज आंटी को दिखाएं, ओ भाई मेरे बेटा है ये 14 अगस्त के लिए तैयार हुआ हुआ है, ठीक है जी, हाँ बोलो है, अपना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी कहने लगी थी। बाहर लेके जा रहे हैं ज़रा घुमाने फिराने के लिए, हम लाइव जो है मैं लेट थोड़ा सा हो जाऊँगी, सॉरी टू से, मेरा बड़ा इरादा था मैं जल्दी जल्दी लाइव करूँगी, क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है कि भाई हम एक साल हो गया हम इन सबको मिले हुए, तो हम वो यादें ताज़ा करना चाहते हैं कि हम लोग मिले थे, और दूसरा ये कि हम लोगों ने डिबेट की थी, हम सितारा के लिए लड़े थे, तो आज वो दिन है कि जब हम कामयाब हो चुके हैं, जो हम लोगों ने इस मुद्दे पर जो आवाज़ उठाई थी उस पे हम लोग बात करना चाहते हैं, सबकी यही ख्वाहिश है। इंशाल्लाह मेरी जान की डोटी हो, छोटी छोटी एंड मोटी हो, हैप्पी रहो, खुश रहो, और बहुत ज़्यादा हमारी पब्लिक अब खुश है, क्योंकि सितारा यासीन के सब फैंस हैं, सितारा आर्मी हैं, और वो लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि एक एक चीज़ पे नज़र होती है, अब सब ने देख लिया है, सबके रंग देख लिए हैं, सारा पता चल गया है, अगर थोड़े से कुछ लोग डाउट में भी थे उनको भी खुल के पता चल चुका है कि कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया था सितारा के लिए, वो खुल के सारा कुछ सामने आ चुका है, तो इसलिए जीत किसकी हुई, सितारा की। अच्छा जी, इसलिए जो है इंशाल्लाह हम करेंगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लें। अच्छा यहाँ पे जो है उसने कहा कि हमारी जो है आपस में बात हो चुकी है, वो उसने भी मुझे कुछ बातें समझाई हैं, नैना के हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी, तो वो कोई बात नहीं, मेरे पे वीडियो बना भी देगा मैं क्या करूँगी, मैं उसका चैनल ही नहीं देखूँगी, कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने गाइड किया है। और इसने जो है सॉरी की है दिलबर से उस पर अपनी लाइफ में ही, कि मेरी अम्मी ने कहा है कि दिलबर ने भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन तुम भी कोई नहीं मांग लेना, कोई बात नहीं, तुमसे बड़ी है, समझाने की माँ बाप ने कोशिश की है, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है ये, अगर फ्रिया की माँ ने उसको समझाया कि तुम सॉरी करो, एक्सक्यूज़ करो, और वो कर रही है, तो बड़ी मतलब थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि भाई उसने कुछ तो अपना तरबियत दिखाई, उसकी तरबियत थोड़ी सी ही सही, माँ दूर बैठी है लेकिन कहीं ना कहीं तरबियत तो नज़र आई है, तो बड़ी बात है, उसने सॉरी की इससे दिलबर से, और कहा काश आपकी अम्मी घर आ जाती तो बात इतनी बड़ी ना होती, लेकिन मैं फिर भी आपके नरम लहजे की वजह से और माँ के कहने पे मैं आपसे सॉरी करती हूँ कि मैंने आपकी अम्मी पे बोला, लेकिन आपकी अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मेरे करेक्टर पे बात की है, लेकिन दिलबर चांद नवाब कैमरामैन चांद नवाब के साथ आ जाते हैं और मुझे फ़नी लगते हैं, बार बार यही बात की कि मुझे फ़नी लगता है वो बंदा, लेकिन कुछ झूठ भी बोले, दीदी ने कुछ झूठ बोले हैं, और झूठ कहती हैं वो क्या बोला है, वो ये बोला है कि मैं पार्क में बैठी थी और पुलिस आ गई थी और मैं भाग गई थी दुपट्टा छोड़ के, तो लड़की सबसे पहले दुपट्टा उठाती है फिर भागती है, लेकिन इसने मेरे पे ये झूठ बोला है कि मैं दुपट्टा छोड़ के भाग गई थी, तो ये सारा झूठ है, मैं पार्कों में ऐसे नहीं जाती क्योंकि मैं जॉब पर होती हूँ, तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया, और पुलिस के बारे में भी कहा कि मैं पुलिस में अपने रिश्तेदारों को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं, हम लोग कोशिश करेंगे मसले को सुलझाने की, किसी ने कहा शादी पे बुलाओगी तो उसने थोड़ा सा टाल मटोल कर दिया। अच्छा एक बात मुझे बड़ी अच्छी अजीब सी लगी, किसी ने पूछा तो कि भाभी आपकी का क्या हुआ, मतलब आपकी भाभी का सुना एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कहती हूँ हाँ यार मैंने डीडी की वीडियो में देखा, यहाँ भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इकलौती भाभी इनकी बातचीत ही नहीं होती, ऐ की है, किसी ने कहा अपने पास रखोगे, उसने कहा एक ही कमरा दो, मियाँ बीवी की प्राइवेसी होती है, कोई नहीं भाई ने ऊपर लेना हुआ ऊपर ले ले, मकान अलग से कहीं जाके लेना हुआ अलग से बेशक ले ले, हम नहीं कहेंगे भाभी आए काम करे हमें भी खिलाए खुद भी खाए, इस तरह नहीं करेंगे, उसकी मर्ज़ी होगी जैसे दिल करे वैसे रहें, लेकिन भाभी अपनी के बारे में जो है कहा कि मैंने दिलबर की वीडियो से सुना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, चलो हाँ चलो मैं फिर करूँगी मैसेज कर दूँगी,
तो जब ये रिश्ता हो रहा था ना उस टाइम भी इसके यही अल्फाज थे, यही लहजा था। एक होती है ना एक्साइटमेंट होती है, एक प्यार होता है, एक चाहत नज़र आती है, तो वो नहीं नज़र आई, वो चीज़ नहीं थी। वो भी बड़ी अजीब सी प्राउड सी बंदी है, क्योंकि जब इस बंदी ने मैसेज किए थे और कहा था मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने आप लोगों को जो है सितारा और उनकी अम्मी के बारे में बात की है, तो उस टाइम भी उस बंदी का चैट में ना अजीब सा रवैया है, क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो, क्या कहना चाहती हो, मतलब अजीब सा, ना बहन ना सिस्टर ना आपी ना बाजी ना कुछ भी नहीं है, क्या कह रही हो, क्या कहना चाह रही हो, क्या कहना चाह रही हो तुम, अजीब सा वो रवैया था उसका। तो उसने कहा नहीं ये तो खुद बीना ने ये बातें की हैं, तुमने तो नहीं की हमको बातें, तो अजीब सा उसका रवैया था, मतलब लिहाज अदबो अदाब वो चीज़ नहीं नज़र आई। तो खैर ये भी यही कह रही थी। अच्छा मैंने डीडी से पता, डीडी की वीडियो से पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं चलो पूछ लूँगी। तो इस तरह से जनाब ये है रिश्ते हैं इनके, साफ पता चल रहा है। मतलब इकलौते रिश्तों में तो बड़ा प्यार होता है, मिठास होती है यार, एक चाहत होती है, अट्रैक्शन होती है। लोगों ने कहा अब्बू व्लॉग में जो है आप लोग व्लॉग क्यों नहीं, आप लोग व्लॉग पे क्यों नहीं ध्यान देते, अच्छा अब्बू पे भी बात करते हैं, आप लोग व्लॉग पे क्यों नहीं ध्यान देते। उसने कहा पता नहीं ये किसने जो है ट्रेंड निकाला था, वाईटी पे आओ और जो है इंसाफ लो या रिश्तों पे बात करो, ये मुझे नहीं पता कौन बंदा था बंदी थी। बहन आपको सारा पता है, आप खुल के बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मुंह मत्थे लगना है ना दोबारा, इसलिए सारा पता है कौन मुद्दा लाई थी, कौन इंसाफ मांगने आई थी, कौन जो है रिश्तों की धज्जियाँ किसने उड़ाई थी, किसने कुरान पाक उठाया था, किसने इल्ज़ाम लगाया था, सब पता है। रिश्तों को पामाल, रिश्तों का तकद्दस पामाल किसने किया था, वो सारा जो है कट्ठा चट्ठा पठा जो है यहाँ पे सारा पता है आपको। लेकिन इस बंदी ने कहा है, प्रिया ने, कि देखें जी मैं जो है इस बात को एंड करूँगी, मैं वाईटी से ना रिश्तों पे बात जो लोग करते हैं इस बात को मैं एंड करूँगी कि मैं बंद कराऊँगी ऐसी चीज़ें कि रिश्तों पे बात नहीं होनी चाहिए, कि उसने मेरे कपड़े चोरी कर लिए, उसने मेरी जो है हांडिया में मर्चें डाल दी, उसने जो है मेरा उधार इतना देना है, ये भी बातें हुई यार, यहाँ तक भी बातें हुई, उसने मेरा 1,000 देना है, उसने मेरा 5 लाख देना है, किसी ने कहा मेरा 15 लाख देना है, इस तरह की भी बातें हुई थी। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सलमा ने पैसे देने थे डीडी वगैरह के, वो मेरे घर में बिया ही बोल रही थी किसी लाइव में कि जो इनके पैसे देने हैं वो अब नाना को मिलेंगे, वो डीडी शीडी को अब नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे जनाब नाना नागण को। उसके मज़े सुनने में आ रहा है कि वो उसने घर लेना है तो ये पैसे उसको मिलेंगे। तो ठीक है जी। अच्छा जी, अपनी अम्मी के बारे में किसी ने कहा आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं अपने पास रखती हैं, आपके अब्बा बूढ़े हो गए हैं, उसको ज़रूरत है बीवी की। तो कहती हैं जी वो अम्मी, बस क्या बताऊँ, अम्मी जो है जब भी पाकिस्तान आती है उनके ही रिश्तेदार, अम्मी के रिश्तेदार आके बैठ जाएंगे, रोने रोने लग जाएंगे अपने, तो अम्मी जो है ना फिर परेशान हो जाती हैं। ये मुझे बात इनकी नहीं समझ आई, क्यों भाई, आज का दौर बहुत आगे निकल गया है, हर बंदा अपने बच्चों का अपने बारे में सोचता है, महंगाई का दौर है, अपना कमाओ अपना खाओ वाला हिसाब है, कोई किसी का भाड़ा नहीं उठाता। तो ये बात मुझे इनकी समझ नहीं आई जो ये कह रही थी कि अम्मी के पास उनके रिश्तेदार आके बैठ जाते हैं, रोना रोते हैं, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं, हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो। तो ये मुझे अजीब सी बात लगी इनकी, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो, कौन किसी के नीचे लग के रहता है भाई, कोई नहीं किसी के नीचे लग के रहता। हाँ बता दो, कोई भी रिश्तेदार आए उन्हें बता दो, तो एक आध दफ़ा चलो ठीक है हेल्प हो गई, लेकिन दूसरी बात जब भी कोई आए उन्हें कहे ये ऐसे ऐसे काम चलता है, आप ऐसे ऐसे मेहनत करें, कमाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, सीधी सी बात है, नाराज़ होने वाली बात ही नहीं है जो इस टाइम जो दौर चल रहा है। खैर इसने कहा भाई मैं जो है मेरी अम्मी अब पक्की आ रही हैं पाकिस्तान, और इसके बाद जो है मैं अपनी अम्मी को कभी भी कैमरा के सामने नहीं लेके आऊँगी, यहाँ पर मेरा हादसा ही निकल गया। तो कहती मैं अपनी अम्मी को कभी भी कैमरा के सामने नहीं लेके आऊँगी, जो भी कैमरा के सामने आता है फिर सबको पता है क्या होता है, उसका हशर क्या होता है, तो मैं कभी भी नहीं लेके आऊँगी अपनी माँ को। तो बहन आप लेके आओ या ना लेके आओ,
थोड़ी सी आपकी तू तू मैं होनी है, आपकी अम्मी क्या, आपकी अम्मी के बचपन से लेके बड़े होने से बूढ़े होने तक की बातें यहाँ पे आप लोगों के ही रिश्तेदार निकाल के बैठेंगे। तो माँ सदके जावे वारी जावे, हम लोगों का एक्सपीरियंस अब बहुत ज़्यादा हो चुका है देख देख के कि क्या होता है यहाँ पे। तो यही होता है, आप जितनी भी छुपा के रखेंगी यहाँ पे तो सितारा की काम वाली की थोड़ी सी ऐसे साया नजर आ जाए उसके ऊपर 10 वीडियो बना देते हैं अगले हेटर उसके। वो देखो चारी चारी खड़ी थी, वो देखो उसके घर का भाई है तो है, सारे अलाउ नहीं होते, जो नहीं होते उसका फिर बंदा जिक्र भी नहीं करता। तो ये जो है चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, और बाकी जो है चलो अल्लाह करे तो बच के रहे आपकी अम्मी कैमरा से, लेकिन जब भी आपकी तू तू मैं होनी है यहाँ पे सारे व्लॉगर बन गए हैं मक्खियों की तरह, और उन्होंने ओ धोना दे दनादन दे दनादन। बाकी सितारा ने कभी भी आपके अब्बा के जो है एहतराम में कमी नहीं लाई, क्योंकि रिश्तेदारी भी है इनकी, जैसे कि इनके मामा, हाँ मामा हो गए, मामा हो गए सितारा के, नहीं सितारा की अम्मी के मामा का बेटा है उनके फ्रिया का अब्बा जो है, ये भी रिश्ते हैं, डबल रिश्ते हैं इनके भाई। तो खैर यहाँ पे जो है इनकी अब नरमी हो रही है, लेकिन आज फिर भी वार्न कर दिया उसने कि मैं एक वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी जवाब के लिए, जवाब के लिए वीडियो आ रही है, लेकिन अंदर से अब ये एक हो चुके हैं, ये याद रखें बात इनकी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा खुल रहे थे सबके, तो इसलिए जो है अब स्टॉप ही लगाया जा रहा है तकरीबन हद तक। फिर भी ये लास्ट वीडियो बनाएंगी, और मैं इतना कहूँगी कि आपके अब्बा के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा सितारा ने। दूसरी बात ये कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे।